सनातन धर्म के बारे में जैसा कि हमारे पिताजी श्री केशव प्रसाद जी तिवारी ने बताया कि सनातन धर्म जो है वो लगातार सतत चलता आ रहा है, वैदिक धर्म है। आप बाद में उसको हिंदू धर्म क्यों बोला गया, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे उनको सिंधु का जो प्रोनाउंसिएशन था वो हिंदू के रूप में होने लगा, तो सिंधु नदी के किनारे किनारे जितने भी लोग थे उनको हिंदू बोला गया और इसी तरीके से सनातन धर्म का नाम हिंदू धर्म पड़ गया। सनातन धर्म है क्या, इसको अपन इस वटवृक्ष से समझते हैं। वटवृक्ष यानी ये बरगद का पेड़ है, आप देख सकते हैं ये एक नियरली लगभग 50 से 60 साल 70 साल पुराना वृक्ष है और ये इसकी शाखाएं आप चारों तरफ देखिए, लगातार इसकी शाखाएं फैलती जा रही हैं। तो जैसा कि हमारे पिताजी ने बताया कि सनातन धर्म प्राकृतिक धर्म है और ये प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ होने से और लगातार शुरू होने से प्रकृति से जुड़ा हुआ होने के कारण इसको सतत रूप से चलने वाला धर्म यानी सनातन धर्म बोला गया, जो कि आदिकाल से लेकर अभी तक चलता आ रहा है, जिसकी हिस्ट्री जो है वो काफी पुरानी है। जैसे ये जड़ें निकलती हैं इस पेड़ में से, ऐसी जड़ें निकलती जा रही हैं और ये जड़ें निकलकर फिर एक नया पेड़ बना लेंगे। जैसे कि आप ये वाला पेड़ ये देखिए, ये जड़ जो है ये जड़ इसी वटवृक्ष की जड़ है और आगे जाकर ये यहाँ पर एक और पेड़ बना रही है और यहाँ से एक नया पेड़ स्टार्ट हो रहा है। इसी तरीके से सनातन धर्म से बहुत सारी शाखाएं निकलती जा रही हैं और नए नए धर्म बनते जा रहे हैं। ज़्यादातर जो धर्म हैं अपने, चाहे अभी आज आप सभी जानते हैं कि और कितने नए धर्म हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली 2000 साल या उससे कम साल के पुराने हैं। बाकी जैसे सिख धर्म लगभग 400 साल 500 साल पुराना है, इस्लाम के लिए कहा जाता है कि 1400 साल पुराना है, जैन धर्म 2000 साल पुराना है, तो ये सब 2000 साल पुराने हैं। तो ये एक वटवृक्ष है, इसी से सारी शाखाएं निकलती हैं। सभी धर्मों की जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो आपको सनातन धर्म में मिलेंगी। जैसे ये पेड़ की पूजा, हम लोग पेड़ की पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि ये लगातार ऑक्सीजन देता है, यही मिट्टी को संभाला हुआ है, यही हमको फल देता है, यही हमको जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो ये सारी चीज इसके कारण हम पेड़ की भी पूजा करते हैं सनातन धर्म, क्योंकि आज आप सब तरफ देख लीजिए कि पर्यावरण के बारे में बातें हो रही हैं, पर्यावरण को बचाना जरूरी है, यदि ये पेड़ नहीं रहेंगे तो बारिश नहीं होगी और हम सबका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसको पेड़ की संरक्षा को पूजा से जोड़ दिया, क्या पेड़ को पूजा पूजनी है, इसलिए पेड़ नहीं काटना है और आज सरकार इसीलिए लगी हुई है। आइए ये वाला देखिए, ये पूरी जड़ है और ये जड़ से फिर एक नया पूरा पेड़ बन रहा है, नया पेड़। इसी तरीके से कोई नया धर्म भी उत्पन्न होगा, लेकिन उसकी जो अच्छी बातें होंगी वो आपको सनातन धर्म में मिलेंगी। कहा जाता है कि सनातन धर्म में जो बातें हैं वो लगभग सारे अच्छे धर्मों की अच्छी बातें सनातन धर्म में, और जो बात सनातन धर्म में नहीं है वो डेफिनेटली